जो फंक्शन मान लो आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है और आपको क्या पूछा है, या फिर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको क्या पूछा है डीवाई बाई डी एक्स, या फिर व्हाट क्या पूछा है एफ डैश एक्स। लेकिन जो फंक्शन आपको दिया है उसमें बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है, बड़ा लंबा फंक्शन है, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू अपॉन दैट इनटू दैट समथिंग लाइक दैट। आप चाहो तो उसको u अपॉन vu इनटू v रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉग यूज करो तो आपका काम क्या होता आसान होगा। दूसरा मतलब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट या फिर कोशेंट है, या फिर फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन, जैसे sin x रेस्ट टू ax, ऐसा कुछ जिसको हम कोई रूल नहीं लगा सकते, उसको एक ही चाह रहा है हमें क्या करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। विल टेक वन एग्जांपल, ये लॉगरिथमिक ये सब लिख ले आप कहां यूज होता है। अभी लॉग का क्या फायदा है, अभी जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो y is equal to x plus 2 into x plus x square plus 5 into x cube plus 8 upon x cube plus 2x minus 7, ऐसा कुछ दे रखा है, बहुत लंबा फंक्शन दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह। आप इसको दूसरे वे से कर सकते थे, कैसे u upon v, कोई u into v वगैरह रूल लगा सकते थे, लेकिन log से क्या हो रहा है, मैं एक पहली स्टेप लिख रहा हूँ, taking log on both sides, पहले log of y to the base e, देखो बेस नहीं लिखा है, मतलब e is equal to log of ये पूरी टर्म x plus 2 x plus 2 x cube plus 8 upon plus, जो भी है। अभी हमें log की प्रॉपर्टी पता है, जैसे log a into b upon c कुछ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log a plus log b minus log c, तो वो रूल लगा लेंगे, क्या होगा log of y is equal to क्या आएगा, log of x plus 2 plus log of plus log of minus log of what x cube plus 2x, ऐसा हो गया। ऑफ कोर्स सबका बेस क्या है, e, नहीं लिखा तो भी याद रख, समझा, देखो बहुत आसान हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, एडिशन, ये इसकी खासियत है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, डिफरेंशिएट, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर डिफरेंशिएट कर दूंगा, ऊपर लिख रहा हूं, सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी log y को कैसे डिफरेंशिएट करने का, चेन रूल लगाने का, थोड़ी देर मन में x मान लो, log x रहता तो क्या लिखते, 1 upon x, log y तो 1 upon y multiply by dy by dx, देखो चेन रूल है, उसको थोड़ी देर x मान के as it is लिखते, फिर उसका डेरिवेटिव आ गया is equal to, देखो अभी इसका इसका सब एडिशन ही है, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होगा ना, log of x plus 2 क्या लिखेंगे आप, 1 upon x plus 2 d by dx of x plus 2, समझ में आ रही बात, चेन रूल, प्लस 1 upon x square plus 5 d by dx of x square, पहले हमने कौन सा रूल लगाया, u plus v plus, फिर हमने चेन रूल लगाया, सब सेपरेट सेपरेट है तो log डेरिवेटिव अलग अलग ही लेना, प्लस व्हाट 1 upon x cube plus 8 d by dx of क्या x cube plus minus 1 upon x cube plus 2x plus sorry minus 7 d by dx of, समझ रही बात, इस पर फिर 1 upon y dy by dx is equal to, देखो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा ये 0 आएगा, मतलब 1 अपॉन x plus 2, इसका ट्वाइस x आएगा, ट्वाइस x अपॉन x square plus 5 plus 3x square अपॉन x cube plus 8, सही है, plus minus 1 अपॉन x cube plus 2x minus 7, इसका क्या आएगा
3x² + 2। ठीक है, आपको आपका मेजॉरिटी काम तो हो गया। अभी सिर्फ क्या करना है आपको, dy by dx चाहिए। तो dy by dx कैसे मिलेगा, dy by dx ये y नहीं है y, इसको उधर भेज दो, मतलब y into ये जो भी मिला है आपको पूरा उसको मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज y, y की वैल्यू पुट कर दो, समझ आ रहा है। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, dy by dx is equal to ये y की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी क्या, x plus 2 x 5 x cube plus 8 upon plus 2x minus 7 into bracket क्या लिखना पड़ेगा, ये जो पूरी टर्म है ना आपकी ये उधर ब्रैकेट में है, अगेन डिवाइड बाय dx, समझ रहे आपको कब यूज करना है। राइट डाउन। दूसरा टाइप होता है फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन, जहां पे तो कोई चारा ही नहीं है, आपको इसी तरह से करना है। अभी जो भी हमने सॉल्व किया उसमें आप चाहते तो u into v u upon v से कर सकते थे, हमने हमारा काम आसान किया सिर्फ। मान लो y is equal to, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है sin x raised to log x for example, ऐसा कुछ। देखो इधर कोई रूल नहीं लगा सकते आप, चेन रूल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन खास टाइप। इसमें फिर क्या करना है, पहली स्टेप वही लेनी है क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। व्हाट डू यू गेट, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ sin x, समझ रहे हो आपको लॉग की प्रॉपर्टी ना, जो रेस्ट है वो आगे आ जाता है। नाउ वी कैन से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये u मान लो ये v मान लो। व्हाट इज लॉग y का डेरिवेटिव, 1 अपॉन y डिवाइड बाय x, ये तो फिक्स है, इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज into d by dx of what, log of sin x plus log of sin x as it is into d by dx of log x, समझ रहा आपको। अब आपका काम रेगुलर शुरू हो गया, पहली स्टेप में लॉग लेने से आपको आसान हो गया ना फंक्शन, समझ गया ना। सो 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx log x as it is, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log of sin x, थोड़ी देर इसको x मानते हैं, x रहता तो क्या लिखते, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin x into chain rule d by dx of sin x, समझ में आ रही बात, प्लस log of sin x as it is, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x, तो आगे चल के क्या होगा, 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव cos x आएगा, cos x अपॉन sin x cot x आ जाएगा, मतलब log x into cot x, ठीक है, प्लस log of sin x अपॉन x, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, डिवाइड बाय dx, तो dy by dx is equal to what, y into log x cot x plus log of sin x upon x, ठीक है ना। what is y, ये value put कर दो, मतलब end में y की जगह क्या put कर दो, sin x raised to log x, final answer, समझ में आ रहा है। root है सब में, अब एक कैसा लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x plus 3 raised to 5 by 2, सब में ऐसा लिख देंगे ना, मतलब और 3x minus 1 raised to 3 by 2 और 5x minus 2 raised to half, रूट वाला निकाल लिया हमने कंसेप्ट। अब ये भी वैसा ही फंक्शन है, नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट बिल्डर ऐसा कुछ, तो इसको भी लॉग से करना आसान है। क्या करेंगे, पहली स्टेप व्हाट, टेकिंग log on both sides, फिर क्या आएगा log y, अब log लेने के बाद final क्या क्या होगा, log a upon b है ना इधर, तो ये सब ये आ जाएगा 5 by 2 log of, समझ में आ रहा आपको, ये आगे आ जाएगा minus 3 by 2 log of minus, ये नीचे है ना दोनों, sorry 1 half log of what, समझ में आ रही बात ये। फिर इसके आगे की स्टेप क्या होगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
मतलब 1 अपॉन y dy by dx 5 by 2 as it is इसका डेरिवेटिव कैसे 1 अपॉन 2x plus 3 dy dx of 2x plus 3 समझ में आ रहा चेन रूल माइनस 3 by 2 1 अपॉन 3x minus 1 dy dx of 3x minus 1 minus 1 half into 1 upon 5x minus 2 d by dx of समझ में आया log के लिए chain rule लगाया हमने anyway so what is dy by dx ये y उधर जाएगा y into curly bracket ये सब लोग इसका derivative तो आ गया तो मतलब 5 into 2 10 हो जाएगा 10 upon 2 into what 2x plus 3 minus इसका derivative 3 आया 3 3s are 9 by 2 minus इसका 5 आएगा मतलब क्या आ गया 5 by 2 into 1 upon 5x minus 2 करली ब्रैकेट complete dy by dx is equal to ये y की वैल्यू यहां से लिख देने का पूरा हो गया आंसर समझ गए आपको देखो बड़ा मान लो हमें एक फंक्शन दे रखा है y is equal to log x raised to x minus x raised to log x थोड़ा अलग ही हो सिर्फ फंक्शन raised to फंक्शन भी है और एक सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है अब ऐसे फंक्शंस को कैसे करेंगे थोड़ी देर के लिए u मान लेने का इसको और v मान लेने का इसको समझ रही बात मतलब अगर हम देखो तो ऐसा लिख सकते हैं y is equal to u minus v बन गया है ये तो हमें क्या चाहिए dy by dx so dy by dx is what du by dx minus ये तो बात क्लियर है अब ये यूज करके ये ढूंढ लेंगे और ये यूज करके ये ढूंढ लेंगे फिर अंत में आंसर पुट कर देंगे जैसे u is equal to log x raised to x अब ये आ गया फंक्शन raised to फंक्शन taking log so log of u is equal to x आ गया जाएगा log of x agreed अब कौन सा रूल लगेगा u और ये v what is derivative of differentiate with respect to x 1 upon u du by dx x as it is into d by dx of log of x plus log of x as it is d by dx of x समझ में आ रही बात so x as it is इसको कैसे करेंगे 1 upon log x देखो पहले इसको x मानेंगे फिर into फिर इसका derivative फिर से 1 upon x पहले log का ताला खोला फिर और एक log का ताला आगे ना चेंज हुई plus log of x into derivative x is 1 तो फिर du by dx चाहिए ना आपको तो du by dx के लिए क्या करना पड़ेगा ये u उधर भेजना पड़ेगा तो ये xx क्या हो गया कट हो गया मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आया du by dx is equal to u into bracket ये सब क्या 1 upon log x plus log of x ठीक है अब u क्या है व्हाट इज u मतलब du by dx आ गया log x raised to x into bracket 1 upon log x plus log of x ठीक है u में ये मिल गया आंसर अब वैसे ही क्या करना है ये भी ढूंढना है हमको इसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी क्या फिर से टेकिंग log फिर से u into u ऐसा करते करते क्या मिल जाएगा dv by dx फिर ये वैल्यू इधर मतलब ऐसा मानने का ये एक छोटा प्रॉब्लम है ये दूसरा प्रॉब्लम है ये दोनों सॉल्व करके फिर एंड में उधर आंसर को आगे बात है बराबर